जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। इन पेन प्रकारे ना कामों में, अच्छे कामों में उदार डालने का विचार करना, ये क्या है? मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य तनमोदन से कि अच्छे कामों में योगदान डालने का विचार, ये क्या है? निपटना। मैंने तो उसको निपटा दिया, बहुत लप लप कर रहा था, लेकिन याद रखना एक दिन कर्म भी तुमको निपटा देंगे, एक दिन तुम्हारे कर्म भी तुमको निपटा देंगे। याद रखना, देखो मैंने काम नहीं होने दिया, योगदान डाल दिया, काम रोक दिया, मैंने निपट लिया। लोग कहते खुशी मनाते, देखो उसको मैंने कैसे मिटा दिया, देखो उसको मैंने जेल में बंद करा दिया। लेकिन याद रखना, तुम किसी दूसरों को जेल में बंद नहीं कर रहे, तुम अपने कर्म के जेल में अपने आप को बंद करते जा रहे हैं। याद रखना, बदला ले लिया तो कह दिया कि मैंने, देखो मैंने निपट लिया। मैंने ये कहना है, मतलब निपटने का अर्थ क्या, कामयाब नहीं होने देने का जिद पकड़ना और उसके लिए सब कुछ कर डालना, ये क्या है? निपटना माना जाता है। बंधुओं याद रखना, मैं कह रहा था निपटने की भाव क्यों होते हैं? आप पूछ सकते हैं, महाराज निपटने की भाव क्यों होते हैं? निपटने के लिए कब सोचने लगता आदमी? याद रखना एक एक बात है, जब आदमी का दाल नहीं गलती है तब वो निपटने के लिए सोचने लगता है। जब आदमी की दाल नहीं गलती है तब वह निपटने के लिए सोचने लगता है, निपटने के भाव होने लगते हैं उसकी, और सामने वालों के जीतने में जब स्वयं को अक्षम महसूस करने लगता है तब वह निपटने की बात सोचने लगता है, और जब सामने वालों का किसी भी प्रकार से सामना नहीं कर पाता है तब वह निपटने की बात करने लगता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष भी जब विरोध और किसी काम में पैदा नहीं कर पाता है तब वो कहता मैं अब निपटा दूंगा इनको। बंधुओं विचार कर लेना, निपटने की भाव और निपटने की सोच क्यों आती है? और इतने नहीं, जब उनसे बात नहीं कर पाता है और जब सामने वालों पर मात नहीं कर पाता है तब कपट के माध्यम से निपटने की बात चालू हो जाती है। बंधुओं तब वह कपट के माध्यम से निपटने की तैयार हो जाता है, इस प्रकार सोचने लगता है। या तो किसी दूसरा कोई ऐसा भी होता है जिनका पक्ष सुना नहीं जाता है, किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का तो सुन लिया जाता है, दूसरे व्यक्ति का नहीं सुना जाता है, तो वह कहता मैं भी निपट लूँगा। एक ही पक्ष का सुना जाता है, यदि पिताजी पांच लड़के हैं एक ही बात सुन करके उनका पक्ष में निर्णय लेने लगते हैं तो चारों मिलकर कहते हम भी निपट लेंगे। बंधुओं इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि उनका पक्ष जब सुना नहीं जाता है या समझा नहीं जाता है तब वह निपटने के लिए तैयार हो जाता है। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि वास्तव में आप अपने आप को, अपने घर परिवार को इन सबसे बचा लेना, बस यही जीने की कला है। एक ही पक्ष कभी नहीं सुनना, एक ही व्यक्ति का कभी नहीं सुनना, और अपने घर को, परिवार को इन सबसे बचा लेना, कभी एक ही का नहीं सुनना, एक ही पक्ष का नहीं सुनना, और ऐसे नौबत नहीं आना चाहिए कि एक दूसरे को निपटने के भाव अपने घर में जागृत हो, इससे बचा लेना अपने घर को, परिवार को, यही जीने की कला है। इससे बढ़कर के दुनिया में जीने की कोई कला नहीं हो सकती है। हमारे भाई भाई में एक दूसरे से निपटने की भावना, और हम शान से घूमे पैसे लेकर के, सोने चांदी के आभूषण पहन करके। मैं यही कहना चाहूंगा कि निज और पर में, स्वयं और दूसरों में निपटने की भाव पैदा न होने देना, यही जीने की कला है। इतना कर लिया तो तुमने सब कुछ कर लिया। पहले माँ बाप इस प्रकार के भाव जागृत नहीं होने देते, वो अनपढ़ थे, किंतु अपने बच्चों में एक दूसरे से निपटने के भाव जागृत पैदा नहीं होने देते थे, अपने घर में, परिवार में एक दूसरे के ऐसे किसी के भी भाव नहीं होने देते थे।
अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी वह क्या करते थे, जीवन जीने की कला को जानते थे। हम कमजोर हो जाएंगे, हम बिखर जाएंगे, हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, और हमारी पैसा, हमारी शक्ति, हमारी विद्वत्ता, हमारे सब कुछ किसी काम में नहीं आने वाला है। बस पहले एक परस्पर में ही एक दूसरे के निपटने की भावना को वही समाप्त कर दो, बस यही जीने की कला। कपट करता है, कौन कपट करता है, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए, कोई निपटने के लिए कपट करता है। काय के लिए कपट करता है? जब दाल नहीं गलती है तब वो सोचता है निपटने के लिए कपट करता है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, एक मुस्लिम शासक थे और उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर करीब 7 बार प्रहार किया। नाम जानते हैं क्या कि एक मुस्लिम शासक ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर करीब 7 बार प्रहार किया, पर हर बार हार गया। और अब वह कपट से निपटने के लिए सोचने लगता है। उनने सोचा इनके सामना ऐसे नहीं कर सकते हैं, इनको ऐसे हरा नहीं सकते हैं, तब उनने सोचा इनके कपट से निपट ले जाए। तब उन्होंने एक संदेश दिया छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, उन्होंने कह दिया, मैं आपकी शूरता, वीरता, साहस आदि का स्वागत करता हूँ, मैं आपका बहुमान करता हूँ, मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ, और आप आइएगा, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने संदेश को सुना तो ताड़ लिया, कहीं न कहीं दाग निश्चित था। जो 7 बार करके मात किया खाया है, वो व्यक्ति मेरा स्वागत, मेरा सम्मान, उन्हें समझ लिया। और तत्काल में सोचा, कोई बात नहीं है, आप बुलाते हैं तो उसके लिए भी हम सामना करने के लिए तैयार है। और वे अपनी तैयारी में लग जाते हैं कपड़ से निपटने के लिए, और ये भी अपने कपड़ से निपटने के लिए तैयारी करके पहुंच जाते हैं। और छत्रपति शिवाजी महाराज थोड़ा सा कद से छोटे थे, और वो ऊंचे कद के होने के कारण उन्होंने क्या किया कि गले लगाने के बहाने गले घोटने का कोशिश किया। उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज भी अपनी तैयारी से गए थे और शेर के पंजों को अपने नाखूनों में फंसा करके ले गए थे और उन्हें पेट फाड़ करके फेंक दिया। विचार कर लेना, कोई कपटने के निपटने के लिए कपट करता है। बंधु विचार कर लेना, जब हार जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, तब ये स्थितियाँ आ जाती हैं। और दूसरा कोई कपट क्यों करता है, कोई निपट कर कपट करता है। क्या जब किसी से कोई काम निकलता है, काम हो जाता है, जब तक काम नहीं होता तब तक पीछे लगे रहेंगे, भाई साहब आप ही सब कुछ हैं। जब तक काम नहीं होता है तब तक तो भाई साहब आप ही सब कुछ है, आप ही भगवान है, सब कुछ है, इस प्रकार आगे करता करता चला जाता है। और इतना ही नहीं, तब इतने सहज हो जाते हैं, इतने सरल हो जाते हैं, इतने समर्पित बनता चला जाता है कि जो चाहो वो करने को तैयार हो जाता है। सामने वाला कुछ भी बोल दे, सब करने को तैयार होता है विश्वास दिलाने के लिए। और इतना ही नहीं, वह एक देवरानी कहती है, जेठानी कहती है देवरानी के लिए, क्या बात है, तुम अभी अभी आई हो और तुम्हारे सासू माँ जो कुछ भी बोलती हो सब करने को तैयार हो जाती हैं। तो देवरानी कहती हैं, अभी तो मेरे को अपने काम करने दो, मेरे को जमने तो दो, एक बारिश की बात बता दूंगी, मैं निपट लूंगी। ये हमारी मानसिकताएं हैं, एक बार मेरे को जमने तो दो। बड़ी बहू पूछती है देवरानी से, क्यों इतने जो सासू माँ की, हाँ जी माँ जी चरण छूती रहती है और काम करती रहती है, ऐसे क्यों कर रही हो, गलत का साथ देती हो। वो कहती है, कुछ दिन जमने तो दो मेरे को, फिर बाद में मैं निपट लूंगी। बंधु हमारी मानसिकता क्या हो गया है, कोई निपट कर कपट करता है, कोई निपटने के लिए कपट करता है। आज हम ये सोच रहे थे। और इतना ही नहीं, श्रावक कहता है, महाराज जी का आने तो दो, स्थापना तो होने दो, कहाँ जाते देख लेंगे, निपट लेंगे। कैसे कैसे होते रहते हैं, कोई निपट कर कपट करता है तो कोई निपटने के लिए कपट करता है। और साधु को स्थापना तो करके करके एक बार फंस तो जाने दो, फिर निपट लेंगे।
मैं बंधुओं तुम क्या जाने जो व्यक्ति कर्मों से निपट रहा है तुम उनसे क्या निपटोगे। कितना विचित्र लगता है, दुनिया जिनके चरणों में नतमस्तक है उनसे निपटने की बात तुम क्या कर सकते हो। लेकिन याद रखना, एक क्या हो गया, एक सहेली आपस में चर्चा चल रही थी और एक सहेली की सगाई हो गई थी और उसने पूछा, एक सहेली ने दूसरे सहेली से पूछा, क्यों तुम उस लड़के से क्यों शादी कर रहे हो, क्यों क्या हो गया कि सब तो ठीक है लेकिन वह हंसता है तो उनके दांत दिखते हैं और दांत टेढ़ी हैं और वह अच्छा नहीं लगता है। तो वह कहती हैं, तुम चिंता क्यों करती, एक बार शादी तो होने दो, एक बार शादी तो होने दो, फिर क्या करोगे कि वह हंसेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, दांत टेढ़े हैं, मैं हंसने दूंगी तभी तो हंसेगा वो। मैं हंसने दूंगी तभी तो हंसेगा। इसीलिए कोई निपट कर कपट करता है, काम होने के बाद अपना रंग दिखाना प्रारंभ कर देता है। कोई निपटने के लिए कपट करता है, कोई निपट कर कपट करता है। बंधुओं, इस प्रकार से दुनिया में सब कुछ चलता रहता है, कोई कपट के कारण निपट जाता है, कोई कपट के कारण निपट जाता है, सामने वालों का कपट को समझ नहीं पाता है तो वह चक्र में फंस जाता है, अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको सुना दूं। सूफियों की जैसे जामा पहनकर एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। सूफी संत होते हैं और उन संत के जैसे ही वस्त्रों को पहनकर, जामा पहनकर एक व्यक्ति कहीं जा रहा था और उसने अपने पास से गुजरते हुए एक कुत्ते उधर सामने से आ रहा था और उन्होंने अपने हाथ के डंडे से कुत्ते पास में आते ही उनको पीट दिया और कुत्ता भौंकता भौंकता हुआ, वह कुत्ता एक महान सूफी संत कौन, हाँ, अबू सईद की खिदामत में जा पहुंचा और अपने घायल पंजे को उठा करके दिखाते उन्हें कहा कि देखे मुझे न्याय की आवश्यकता है, ये सूफी संत ने मेरे को मारा है, मेरे को घायल कर दिया है, मेरे पंजे को घायल किया है। इसको सुनकर के अबू सईद ने उस व्यक्ति को बुलवाया और पूछा, इस मूर्ख प्राणी को तुमने अकारण क्यों मारा। सूफी बोला, महाराज मैंने इसे अकारण नहीं मारा है, इसने मेरा जामा खराब किया है, मेरे वस्त्र को इसने खराब किया है। मगर कुत्ता स्वयं को बेगुनाह करता हुआ फरियाद करता रहा। अबू सईद ने कुत्ते से कहा, कयामत के दिन जो फैसला होगा तो होगा, उस समय जो मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन मगर बताओ अभी तुम क्या हर जाना चाहते हो, अभी तुम क्या हर जाना चाहते हो। तब कुत्ते ने विनम्रता से कहा, महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इस व्यक्ति को मैंने सूफिया जैसे लिबास देख करके मैं निश्चिंत हो गया, इन पर विश्वास रखा, किंतु यह सूफी सेल ये क्या किया, सूफी संत के जामा तो पहन लिया लेकिन सूफी संत नहीं था, मेरे साथ विश्वासघात हो गया और मेरे पंजे को इन्हें घायल किया। मैं इनके हर जाने में कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इनकी जो सूफी संत की जामा इनको उतार दिया जाए, इनको वापस लिया जाए, बस इतना कर दे ताकि दूसरा कोई इनके कपट में छल में फंस करके मिट न जाए। बंधु विचार कर लेना, इस प्रकार के संसार में दुनिया चल रही है, कोई निपटने से कपट करता है। ये कह रहा था आप लोगों के लिए, कोई सज्जन है शुद्ध जीवन जीता है, सात्विक जीवन जीता है, कोई दुष्ट दुर्जन धन के बल पर अथवा दबंगता के बल पर उनके और उनके घर परिवार के लोगों को कि लोगों के स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पहुंचाता है, धक्का पहुंचाता है, उस समय सज्जन को निपट लेता है, तब वह सज्जन कपट से निपटने का कोशिश करने लगता है। और इतना ही नहीं, एक होता है कोई निपटने में कपट करता है, कोई निपटने में कपट करता है, कैसे, घर का बेदी लंका डाहे, यदि अपने ही व्यक्ति, हम सब लोग भाई लोग मिलकर के किससे निपट रहे हैं और हमारे घर के व्यक्ति हमारे निपटने की जो केथा रणनीति थी उसको यदि किसी को बोल देता है तो क्या हो जाता है, हम ही निपट जाते हैं। इसी प्रकार कोई निपटने में कपट करता है और
इतना ही नहीं, घर परिवार में संकट संकट आ जाता है, समाज और देश पर संकट आ जाता है। हम देखते हैं देश की स्वतंत्रता दिलाने जब हमारे अंग्रेजों से जूझ रहे थे हमारे की स्वतंत्र संग्राम सेनानियां, उस समय दो दो हाथ कर जब निपटने को थे तब अपने ही लोगों ने लोभ लालच में आकर के अपने ही लोगों को धोखा दिया, देश के साथ धोखा दिया और जाकर के अंग्रेजों से मिले और सारे अंदर के भेद उनको बता दिया। इसके कारण हमारे अनेक स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने शहीद हुए, अपने प्राणों को गंवाया, इतिहास साक्षी है। और इतना ही नहीं, शत्रु से दो दो हाथ करते समय अपने ही लोगों ने कपट से अपने ही लोगों को यदि धोखा देते हैं तो निश्चित रूप से मरवाते हैं, तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए संकट के लिए कारण बनता है। और कुछ लोगों ने अंग्रेजों से जूझते हुए हमारे लोगों को इतना धोखा दिया कि बारूद को जब गोले बनते थे, बारूद के गोले में बारूद के स्थान पर अपने ही लोगों ने गोबर भर दिया और बारूद को बर्बाद कर दिया और हार हो जाती है। इस प्रकार से कोई निपटने के समय में कपट करता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा बंधु आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि हालत जब हद से गुजरने लगे, हालत जब हद से गुजरने लगे, दिन जिंदगी के बिखरने लगे, हालत जब हद से गुजरने लगे, दिन जिंदगी के बिखरने लगे, दौर आया जब आजमाइशों का, अपने भी किनारे करने लगते हैं, इसके कारण हम संकट में आते चले जाते हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, कोई निपटने में कपट करता है, कोई निपट कर कपट करता है, कोई निपटने के लिए कपट करता है, कोई निपटने से कपट करता है। इस प्रकार से संसारी प्राणी अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों के लिए, हम कपट से बचकर भी इन सब से निपट सकते हैं। क्या बोला? हम कपट से बचकर भी इन सब से निपट सकते हैं, यही जीवन जीने की कला है। लेकिन हम कपट करके निपटना चाहते हैं। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः।